हाय फ्रेंड्स, मंडे ह्यूज गैप अप मार्केट। यस, ह्यूज गैप अप होने जा रहा है मार्केट। बट कैसे जा रहा है मार्केट, क्यों गैप अप हो रहा है और गैप अप होने के बाद हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे? जिन लोग कॉल ऑप्शन ले रखे हैं उनको तो बल्ले बल्ले हैं। बट मैं क्या बोलता हूँ, कभी ऐसे कम मत कीजिए, कॉल या पुट लेके मत चलिए। मान लो आपके पास कॉल है तो आपको तो बल्ले बल्ले है, बट मान लो आप सोच रहे थे मार्केट नीचे जाएगा, पुट है तो आपको क्या हालत हो रहा है। ओके, तो आगे से कभी भी ऐसे मत करना। पहली बात, अगर फ्लैट ओपन होता तो 3 दिन के बाद मार्केट ओपन हो रहा है, कितना प्रीमियम डी का होता। इसी के वजह से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पे मैं लिखा था, जो आप लोग कोई पोजीशन मत लेके चलिएगा। ओके, चलो अभी गैप अप होने जा रहा है, तो गैप अप कितने हो सकता है, इसके बाद मार्केट का रैली क्या होगा, क्यों होगा, ये सारी चीज हम जानेंगे। साथ में मंडे निफ्टी प्रिडिक्शन, यानी कि किस लेवल पे आपको क्या कर सकते हो, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे काम कर सकते हो, ये सारी चीज मैं बताऊंगा। चलो फ्रेंड्स, छोटा सा वीडियो होगा बट आई होप कि आपको बहुत काम आएगा। जिन लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले जाकर राइट साइड ऊपर जो सब्सक्राइब है ना, उसे मत दबा देना। हाँ, उसे मत दबा देना। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तभी जाके दबाना, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं है। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं फटाफट कि कैसे है मार्केट का सिचुएशन। देखो यहाँ पे ना आपको मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है आपको? और बॉटम से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये था इसका ब्रेकआउट लेवल। बट ब्रेकआउट लेवल के बाद भी कुछ दिन हमें बहुत ज्यादा परेशान किया, राइट? एक दिन ह्यूज मार्केट पॉजिटिव गया, फिर रेड, फिर परेशान किया, फिर पॉजिटिव, फिर मतलब ऐसे ही करता रहा मार्केट। अब फिर से गैप अप हो रहा है ना, फिर से गैप। अच्छा, गैप अप होगा ये कैसे पता चलेगा आपको? चलो मैं बता देता हूँ, जिन लोग हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने हैं उनको तो पता ही है, जिन लोग बिगिनर्स हैं उनको बता देता हूँ कि आप मोबाइल पे ना मनी कंट्रोल एप्स इंस्टॉल कर सकते हो, और वहां पे जाने के बाद आपको यहाँ से ग्लोबल मार्केट का सिनारिस दिखेगा। यहाँ पे आप देखोगे क्या कि गिफ्ट निफ्टी है। गिफ्ट निफ्टी क्या होता है कि इंडियन निफ्टी फ्यूचर के ऊपर इंडियन मार्केट क्लोज होने के बाद भी जो ट्रेडिंग होता है, दैट इज गिफ्ट निफ्टी। ओके, गुजरात में स्टॉक एक्सचेंज बना हुआ है फिलहाल, पहले सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में था। तो उसका जो सिनेरियोज है वो हमें बता देता है कि मार्केट कितनी पॉजिटिव हो सकता है, कितनी नेगेटिव हो सकता है। ओके, अप्रोक्स इतना ही होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 22,704 इंडियन मार्केट कहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा। इंडियन मार्केट है 22,500। ओके, बट निफ्टी फ्यूचर कहां पे है, हमें क्या देखना चाहिए, निफ्टी फ्यूचर कहां पे है? तो निफ्टी फ्यूचर है 22,552, और यहां से इसी फ्यूचर के ऊपर ट्रेडिंग हुआ है इंडियन मार्केट क्लोज होने के बाद, कितने पॉइंट, 150 पॉइंट। ओके, तो कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 100 से 150 पॉइंट गैप अप होने जा रहा है मंडे को। अब देखिए, अगर 100 से 150 पॉइंट गैप अप होता है तो ये जो क्लोजिंग था नियर अबाउट 500 पे, ये आपको 650 के पास जाना चाहिए, 650, राइट? अब मैं इसे छोटे टाइम फ्रेम पे करूंगा, क्यों? क्योंकि हम जब इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो हमें स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट को देखना चाहिए, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस का शिकार होना पड़ेगा। अब देखो, मैं 5 मिनट के चार्ट में आ रहा हूं, तो 5 मिनट चार्ट में एक रेंज था। तो मैं आपको हमेशा बोला हूं कि जब भी मार्केट रेंज बनाता है, देखो ये अगर गैप अप ना होके हमें टाइम देता और एक कैंडल ब्रेकआउट होता तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है कि नहीं। बट ये गैप अप हो रहा है, कहां पे जा रहा है ना, यहां पे जा रहा है लगभग, है ना? ध्यान से देखिएगा कि मैं इसको फुल स्क्रीन कर लूं। चलो मैं इसको फुल स्क्रीन कर लिया। ओके, अब मैं 5 मिनट का चार्ट कर रहा हूं, अब मैं 5 मिनट का चार्ट किया। ओके, अब देखो मार्केट कहां पे ओपन होने जा रहा है और नेक्स्ट क्या होने वाला है, ध्यान से देखना। ओके, जिन लोग बिगिनर्स है ये वीडियो ना खास करके मैं उनके लिए बनाता हूँ। ऑलरेडी जिन लोग एडवांस ट्रेडिंग देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो कंटिन्यू बने रहिए, हम सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि मार्केट एक्सपेक्टेशन है कि इस लेवल के आसपास ओपन होने वाला है। यहाँ पे ओपन होने के बाद आपको देखना है कि ये जो गैप हुआ है, क्या ये गैप फुलफिल करने के लिए आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा ना, फास्ट जो 5 मिनट का कैंडल है उससे पहले तो करना ही मत कुछ, ठीक है? देखो जरूरी नहीं है कि गैप अप हुआ तो गैप फुलफिल करने के लिए उसी दिन आएगा, ठीक है? तो ये जो लेवल है, मान लो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ये बना है, और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा क्या इससे ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है। अगर ये लो ब्रेक नहीं करेगा, अगर ये लो ब्रेक करेगा तो बहुत ज्यादा चांसेस रहता है कि नीचे आए। ओके, और इसे फुलफिल करने के लिए आए। एक नजर हम देख लेते हैं कि मंडे का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं एक लेवल दिया हूं, और ये लेवल मैं सर्किट ट्रेडर्स का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा मंडे मॉर्निंग में, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या है, 22,535 आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस 22,578, ध्यान से देखिएगा 78,
मान लो 22,578 के ऊपर मार्केट ओपन हुआ, ओके तो ध्यान से देखिएगा यहां पे जब सपोर्ट लेके और इस रेंज को ब्रेक होगा ना, तो समझ लेना यहां से 100 पॉइंट का रैली आपको और दिखने के लिए मिल रहा है। 100 पॉइंट का रैली तो कम नहीं होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में लगभग द्विगुण पैसा, डबल पैसा बन जाएगा। अगर 100 रुपीज का स्ट्राइक प्राइस होगा ना, तो वो नियर अबाउट 200 रुपए का बस पहुंच जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी एनालिसिस है ये, आपको सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा मंडे को, और इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट ओपन हुआ और इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया और इससे धीरे धीरे इस तरीके से ये ब्रेकआउट देने का कोशिश किया, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या बनाया मैं दोबारा एक बार अच्छा से ड्रॉ कर देता हूं आपको, ये मार्केट ओपन हुआ मान लो और इसके पास सपोर्ट लेके और इस जोन को ब्रेकआउट दे रहा होगा, देख लीजिएगा। आज आप वीडियो देख रहे हो, नोट कर लो, दिमाग में बिठा लो, और मंडे को काम नहीं आता है तो मेरे को बता देना, ओके। अब इसी जगह पे ब्रेकआउट पॉइंट पे बाइंग करोगे, इस लेवल से नीचे आपको स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, इस लेवल से नीचे आपको स्टॉप लॉस रहेगा और ट्रेल करोगे। अब ट्रेल करोगे जब भी ये रेंज फर्स्ट 5 मिनट का हाई ब्रेक होगा, तो अब ट्रेल करोगे 700 नियर अबाउट 700 यानी कि 22,700 के आसपास का टारगेट का, ठीक है। अगर ब्रेक नहीं होता है तो आप समझ लेना कि यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आ रहा है मार्केट, और आने के बाद फिर से जब सपोर्ट लेके मार्केट पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से फिर धीरे धीरे आने वाले एक दो दिन के अंदर नेक्स्ट मेरा जो रहेगा 22,700 और अगला टारगेट जो मेरा रहेगा वो 23,000। बट 23,000 ये नहीं कह रहा हूँ कि इस एक दिन पे आ जाएगा, इसी वीक में आ जाएगा, ओके। बट ये जो शानदार ब्रेकआउट है, अगर स्टेबल हो गया शानदार ब्रेकआउट, तो 23,000 हमें आने वाले टाइम पे दिखाई देगा बहुत जल्द, राइट। निफ्टी का एनालिसिस समझ में आया कि कहाँ पे क्या लोगे आप, ठीक है। 5 मिनट का लो ब्रेक हुआ, फ्यूचर के ऊपर सेलिंग प्रेशर आया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया यानी कि जो सेकंड रेजिस्टेंस, तब भी आप पुट में आओगे, अदरवाइज आप पुट में नहीं आओगे जल्दी जल्दी, ठीक है, ओके। और देखो जो गैप अप होता है ना, तो यहाँ पे जो प्रीमियम डीके और जो FISDIs जो ऑप्शन चेन में क्या कर रहा है, तो उनका चक्कर में कभी कभी थोड़ा सा नीचे आके बाउंस बैक होकर फिर ऊपर जाने का चांसेस रहता है, तो देख लेते हैं ऑप्शन चेन में क्या कर रहा है। और इसके बाद मैं बैंक निफ्टी वाला पार्ट को समझाऊंगा कि बैंक निफ्टी वाला पार्ट में क्या आ रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। मैं नेक्स्ट एक्सपायरी को देखूंगा, मेरे पास नेक्स्ट एक्सपायरी होगा आपको 14th मार्च, और हमारा क्लासेस हो रहा है 10th मार्च से, ओके। आप अगर टेलीग्राम चैनल विजिट नहीं किए हैं तो मैं दिखा देता हूँ सरकार ट्रेडर्स टेलीग्राम चैनल, बट फेक चैनल पे मत फंस जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक से ही आना। और हमारा चैनल को चेक करने का एक ही तरीका है, जहाँ पे मेरा निफ्टी का वीडियो, मेरा खुद का वीडियो पोस्ट होता है, वही हमारा एक ही जेन्युइन चैनल है, बाकी सब फेक चैनल है। हमारे नाम पे बहुत फेक चैनल चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ओके। चलो तो अभी क्या हो रहा है सर, अभी ऑप्शन चेन हम देख रहे हैं कि ऑप्शन चेन में कहाँ पर रेजिस्टेंस था, तो 500 पे क्लोजिंग हुआ है मार्केट, तो ऊपर के लेवल पे ना बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर अभी इंक्रीज नहीं हुआ था, कॉल साइड पे सेलिंग प्रेशर इंक्रीज था, तो इसमें ये चांसेस रहता है कि गैप अप होने के बाद थोड़ा रिट्रेस आने को बन सकता है मार्केट, थोड़ा रिट्रेस आने का बन सकता है, समझ में आ गया। चलो अगला किसी दिन टाइम मिलेगा तो ऑप्शन चेन के ऊपर डीपली ब्रीफ आपको करूंगा, राइट। चलो अभी मैं चलता हूँ बैंक निफ्टी में, देखो बैंक निफ्टी में कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ मैं, बैंक निफ्टी में कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ मैं। देखो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है वीडियो, बट मुझे लग रहा है कि आप लोगों का काम का हो रहा है ना। देखो ऑन डे का चार्ट है, प्रीवियस लाइफ टाइम हाई को ब्रेक होने जाने वाला है। देखो सब कोई ना लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर दिया, बट बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई ब्रेक नहीं किया, मतलब पहले एक बार किया था, फिर अभी दोबारा रिट्रेस होके ये फिर से लाइफ टाइम हाई को ब्रेक होने जा रहा है। तो देखो ब्रेक होने जाएगा वो तो बात की बात है, बट इंट्राडे में अगर प्रॉफिट करना है तो कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा, ओके। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है 48,320 पे, जो मेरा ये हॉरिजॉन्टल लाइन जा रहा है, दिख रहा है आपको, ओके। और इसके बाद जा रहा है 48,645, राइट, ध्यान से देखिए 300 के बाद 600। तो अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं देखता हूँ कहाँ पे वो लेवल सारे जा रहा है। देखो ये लेवल जा रहा है, तो ध्यान से देखिएगा कि लेवल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हूँ, मार्केट इसके ऊपर ओपन होगा तो इसके बाद ये टारगेट रहेगा, और इसका रेंज के अंदर अगर आ गया है, इस रेंज के अंदर आ गया है, तो ये थोड़ा सा छोटी सी रेंज होगा जो आपको परेशान करेगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, टेक्निकल को समझने का कोशिश करो, ठीक है। निफ्टी गैप अप है तो बैंक निफ्टी भी गैप अप होगा, तो निफ्टी अगर 150 पॉइंट गैप अप है तो बैंक निफ्टी 400 से 500 पॉइंट गैप अप हो सकता है, ये सिंपली आपको आइडिया है ना, जिन लोग कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हो। तो बैंक निफ्टी के लिए समझ में आ रहा है, जब इसके ऊपर एक दिन रुक जाएगा यानी कि लाइफ टाइम हाई फिर से ब्रेक करेगा, तो फिर से बैंक निफ्टी के भी रैली आ सकता है, क्योंकि HDFC बैंक ये जो परफॉर्मेंस हुआ है ना, HDFC बैंक साथ नहीं दिया था। और हमारा टेलीग्राम चैनल पे एक दिन पहले ही हम HDFC बैंक का होल्डिंग
ट्रेड दिया था कि आप होल्डिंग पर्पस एचडीएफसी बैंक को बाइंग कर सकते हो, राइट। तो एचडीएफसी बैंक जब धीरे धीरे पॉजिटिव आएगा तो बैंक निफ्टी को भी धीरे धीरे पॉजिटिव लेके आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ पूरे वीडियो के अंदर कुछ तो नया चीज आपको जरूर मिला होगा। क्या नया चीज मिला है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जिन लोग लास्ट टाइम तक वीडियो देखे जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं लेंथी वीडियो होगा तो भी मैं सोचूंगा नहीं, क्योंकि सीखने वाले चाहे एक घंटे का वीडियो क्यों ना दूं, उन लोग देखते रहते हैं। चलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।